हाय फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज मैं आपको ड्रॉपर के बारे में बताऊंगा। अगर आप बच्चे को मेडिसिन देते होंगे, अगर आपके बच्चे को फीवर आती है, या फिर अगर आपके बच्चे को अपच जैसी समस्या होती है, या फिर सर्दी खांसी की समस्या होती है, और आपके बच्चे की एज अगर 6 मंथ है या फिर 5 मंथ है या फिर 2 मंथ है, तो वहाँ पे आप एक चीज़ गौर करते होंगे कि इस प्रकार की जो भी मेडिसिन आपको मिलती है, ड्रॉप वाली मेडिसिन, तो उसमें एक ड्रॉपर दिया हुआ होता है इस टाइप से। तो इसका यूज हम किस ढंग से करेंगे, क्योंकि डॉक्टर जो है वो प्रिस्क्राइब जब करते हैं तो वो बताते हैं कि अगर आप ये नियोपेप्टिन ड्रॉप को इस्तेमाल करना है, अगर आपके बच्चे की उम्र जो है, एज जो है, वो 2 मंथ है, तो वहाँ पे अगर आपके बच्चे को 10 बूंद पिलाने की सलाह देते हैं डॉक्टर, तो इस ड्रॉपर से कितनी लें कि 10 बूंद जो है मेरी मेडिसिन हो जाएगी। तो यहाँ पे आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि इस ड्रॉपर का इस्तेमाल आपको किस ढंग से करना है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इस ड्रॉपर को ओपन करते हैं और इसे मैं आपको बारीकी से समझाता हूँ कि इस ड्रॉपर में आपको कितना मेडिसिन लेने से कितनी ड्रॉप होती है, यानी कि कितने बूंद होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो ड्रॉपर है, ये 1 ml की ड्रॉपर होती है, और 1 ml आपकी जो होती है वो यहाँ पे दी हुई है, यहाँ तक अगर आप लेते हैं तो 1 ml होती है। तो अगर डॉक्टर आपको कहता है कि 1 ml इस मेडिसिन को सुबह शाम पिलानी है, तो आपको पता चल जाता है कि यहाँ तक लेंगे तो हमारी 1 ml जो है वो मेडिसिन होगी। लेकिन अगर यहाँ पे डॉक्टर कहते हैं कि आपको 10 बूंद यानी कि 10 बूंद दवा को यूज करना है या फिर दवा को देना है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि 10 बूंद इस ड्रॉप में कहाँ पर होगी? क्योंकि अगर आप 10 बूंद गिन कर देते तो वहाँ पे मिस भी हो सकती है, लेकिन अगर आप इस ड्रॉपर को अच्छी ढंग से जानेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि 10 बूंद कहाँ तक होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ये समझे कि 1 ड्रॉप अगर आप मेडिसिन लेते हैं तो उसमें 20 बूंद मेडिसिन जो है वो आती है। अगर आप 1 ml मेडिसिन आप अपने बच्चे को दे रहे हैं तो वहाँ पे आप 20 बूंद अपने बच्चे को दवा दे रहे हैं। तो वही अनुसार से आप समझे कि 20 बूंद यानी कि 1 ml, तो 0.5 जो लिखा हुआ है, यहाँ तक आपकी 10 बूंद जो है वो मेडिसिन हो जाएगी। 0.5 जहाँ तक आई है, यहाँ तक आपको 10 बूंद मेडिसिन जो है वो होती है। दूसरी चीज़ यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पर दूसरी चीज़ आप देख पाएंगे कि 0.6 जो है यहाँ पे हो जाएगी आपको 12 बूंद। अगर 12 बूंद अगर डॉक्टर इस मेडिसिन को दे रहे हैं तो आपको 0.6 तक मेडिसिन लेनी है, और अगर आपको डॉक्टर सलाह देते हैं कि आपको 6 बूंद मेडिसिन लेनी है तो 0.3 जो लिखा हुआ है यहाँ तक आपको लेनी है। यहाँ पर से अगर आप मेडिसिन को यूज करते हैं तो 6 बूंद आप अपने बच्चे को आसानी से दे सकते हैं बिना गिने। और अगर आपको डॉक्टर बोलते हैं कि 5 बूंद इस मेडिसिन का यूज करना है तो 0.25 तक आपको मेडिसिन लेनी है। तो यहाँ पे आपको सारे चीज़ें जो हैं वो दी गई है। अगर आपको 1 ml लेनी है तो इस ड्रॉपर को सिर्फ आपको समझना है, 1 ml यानी कि आपको यहाँ तक, 1/2 ml यानी कि यहाँ तक, 0.5 यानी कि 10 बूंद, और अगर 12 बूंद तो 0.6, 15 बूंद अगर बोलते हैं डॉक्टर के 15 बूंद आपको इस मेडिसिन को देनी है तो आपको यहाँ तक लेनी होगी। तो ये ड्रॉपर को समझना बहुत ही आसान है। अगर आप इस ड्रॉपर को समझ जाते हैं तो आपके बच्चे की डोज जो है वो एकदम एक्यूरेट से आप दे सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर आपके घर में छोटे बच्चे रहते हैं तो इस ड्रॉप का यूज करने के लिए सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिला होगा, काफ़ी जानकारी मिली होगी इस ड्रॉपर को लेकर के। तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।